हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू एनएसएलाइट्स डेली क्विक वन लाइनर अपडेट्स आज 12 सितंबर की हम वन लाइनर डिस्कस करने वाले हैं लेट्स डिस्कस टुडेस क्लास ओके सो आज का पहला क्वेश्चन होगा व्हेन डिड द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज बीइंग ऑब्जर्वड ग्लोबली सो आपका शिक्षा को हमले से बचाने के लिए इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा

35, a साल के बीच में थर्टी फाइव ऐसी critical countries उनमें रहते हैं और उनकी एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स चलती रहती है तो उनसे रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट इट एक्सप्रेसेज कंसर्न ओवर द इफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यू वायलेंस ऑन दीज चिल्ड्रेन एंड दियर एबिलिटी टू एक्सेस एजुकेशन whose consequences require special attention beyond the needs of learners whose uh, establishment were temporarily closed due to the covid-19 pandemic right so next question o jaga which ministry कंडक्टेड ए वेबिनार ऑन द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ आउटपुट एंड आउटकम्स ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन के लिए कौन सी एक आ, किस मंत्रालय ने फ्लैगशिप कार्यक्रम ये लॉन्च किया है इसकी योजना के निगरानी के लिए सो so, ये राइट मिनिस्ट्री वुड बी राइट ऑप्शन वुड बी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका सही ऑप्शन होगा सो नेशनल जल जीवन शक्ति मिशन ऑफ जल शक्ति कंडक्टेड अ वेबिनार ऑन द प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ आउटपुट्स आउटकम्स ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन द वेबिनार वॉज अटेंडेड बाई अबाउट ट्वेंटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक हेल्थ Engineering departments, rural water supply departments and various state मतलब ये आपके 2500 डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ये मनाया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दे फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी सो so, इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन हो जाएंगे ये हमारा गोविंद स्वरूप

नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आपका मित्र चैटबॉर्ट फॉर यू जी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपका मित्र नाम की चैट बोर्ड एक डेवलप uh, किया है सो so, ये आपका हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च एजुकेशनल व्हाट्सएप चैट बोर्ड आपका मित्र एंड ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस For the new 2021 कहीं प्रेजेंट uh, uh, नहीं हो सकते टाइम uh, तो पे अगर व्हाट्सएप चैट बोर्ड से उनकी हेल्प की जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ल्ड बैंक साइन एटी टू मिलियन यू एस डॉलर लोन डील विद स्टेट कौन से स्टेट के साथ यू आ, जो वर्ल्ड बैंक ने इतने मिलियन डॉलर का जो डील है साइन किया है सो राइट ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सो द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक टुडे साइन 82 मिलियन का जो इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ये विल स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन मतलब मेनली रोड सेफ्टी के लिए आपका ये आ, जो लोन है उनको दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा विच ऑफ द नेशंस एग्री टू कोलैबोरेट विद इंडिया इन डेवलपिंग 5G जी टेक्नोलॉजी तो आपको ये शायद मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर्स में करा दिया था राइट right ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा यूएसए और इज़राइल यूएसए इज़राइल और इंडिया मिलकर ये तीनों कंट्रीज फाइव जी तकनीक पे अभी काम कर रहे हैं सो so, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच बैंक लॉन्च सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर एच एन आईज सो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड ये आपका बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाली है ये ऑन मंडे ये सिग्नेचर ऑफ वीजा डेबिट कार्ड फॉर देखिए फॉर द एफलेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मेनली ये आपका एच एन आई जो हो रहा था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टेन लैक्स एंड अब उनके लिए ये होगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा हुई ट्रेड एंड टू इंडिया बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये आपका क्वेश्चन होगा तो इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए मैथ्यू uh, हेडन इसका सही ऑप्शन होगा एक समय पर ये uh, ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन होते थे सो गवर्नमेंट ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया लोगों को अपॉइंट किया गया है द काउंसिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडवांसिंग ऑस्ट्रेलियान एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरेस्ट विद इंडिया थ्री न्यू अपॉइंटमेंट टू द्रोड ब्रॉड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल वर अनाउंस रिसेंटली अशोक जैकब

राइट तो इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑनलाइन बाय करने के लिए मेनली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एमआईबीएल द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन अथॉरिटी सेड इट इज एट एन स्टेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पैरामीटर डैशबोर्ड टू रैंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तो आ, कौन सी स्टेट या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अभी एडवांस स्टेज बताया है so, सो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग नीति आयोग ने अभी इसको एडवांस स्टेज बताया है सो नीति आयोग सेड इट इज एन एडवांस स्टेज प्रिपरेशन ऑफ एम पी आई पैरामीटर डैशबोर्ड आपको पता है हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अलोंग द स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान द आयोग विच इज नोडल एजेंसी फॉर लेवरेजिंग द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल एम पी आई टू ड्राइव रिफॉर्म है Next question होगा who is to inaugurate Gate in Jaipur. तो ये ये आपका Gate किसने किया किया है? है हमारा हमारे Prime Minister Narendra जी ने किया है Gate, एक सेरेमनी 11 बजे सितंबर 8 को द पत्रिका गेट इज सिचुएटेड एट जयपुर जवाहरलाल नेहरू मार्ग द इनोग्रल विल आल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पत्रिका गेट राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो जिसको बोला जाएगा सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफिसर्स राइट तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा ने ये बोला है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा लॉन्च परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो जिसको हमने स्पैरो uh, का नाम दिया है ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए एट uh, राजभवन जो किसी भी स्टेट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है सो so, इसको हम राजभवन बोलते हैं जैसे हमारी सेंट्रल होता है uh, राष्ट्रपति भवन वैसे ही हर स्टेट का राजभवन होता है सिस्टम इज एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी अवॉइडिंग लॉस ऑफ अप्रेव अप्रेजल रिपोर्ट

Has been released recently is a, a delightful uh, collection of select events from her life, which also holds a mirror to the time uh, the incident are set in. Which organization has seized the banking operations by the Aditya Birla Idea Payments, ABIP, Bank under Banking Regulation Act 1949, with effect? ई so, RBI. RBI ने लॉन्च किया है आदित्य बिरला ग्रुप बैंक के अंडर राइट सो so, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बैंकिंग ऑपरेशन बाय द आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अंडर नाइन फोर्टी नाइन के अंडर इन्होंने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट की सभी जो ट्रांजेक्शन वो रोक दी हैं विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी नाउ द बैंक कंपनी कुड नॉट बी एबल टू वर्क सक्सेसफुली एन अप्प्लाइड फॉर वॉल्ट्री वाइडिंगअप बाय द वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विच होल्ड फिफ्टी वन परसेंट ऑफ ए बी आई पी So, रिमेनिंग यूनि का so, इनोग्रेशन इन so, right हुआ है सो so, स्मृति श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो आपकी यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ये इन्होंने इनग्रेट किया है ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश

तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप ने ये काम किया है सो फेसबुक ऑन व्हाट्सएप है पार्टनर्स द एम टू रीच अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट इन फाइव इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग डेली मध्य प्रदेश बिहार झारखंड और महाराष्ट्र बाय द एंड ऑफ द ईयर अंडर द फर्स्ट पेज ऑफ पैन इंडिया प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये फूड uh, हाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ एओ एशियाज पैसेफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये आपका सही ऑप्शन इसके लिए बांग्लादेश हो जाएगा बांग्लादेश बिल्कुल सही इसको लॉन्च करने वाला है Uh, will host a 36 regional conference for Asia and Pacific of the United Nations Food and Agriculture Organization for the first time in 2022 uh, since the joining of the organization in 1973. ये कौन थे जी जोनी बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी ये हमारे दोनों डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये थे बहुत अपने समय के जाने माने वेटरिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जॉनी बक्शी पास्ट अवे

पहले हम देख लेते हैं कि ये लीफ क्या है ये है लेवरेंडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया तो ये लेवरेंडेल तो ये जो लीव फाउंडेशन है इन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर ये अभी आ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया है सो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड लॉरेंस शडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इन द स्टेट

नली uh, हमारी जो गवर्नमेंट्स है जो इकॉनॉमी का बताता है जो फोरकास्ट करता है तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव परसेंट हमारी इकोनॉमी डाउन जाने वाली है अकॉर्डिंग टू फिच फिच रेटिंग ऑन ट्यूजडे स्लैश इंडियाज फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ग्रोथ प्रोजेक्शन टू माइनस टेन पॉइंट फाइव परसेंट फ्रॉम माइनस फाइव परसेंट एस्टिमेटेड अर्लीयर से कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ द वायरस एंड इम्पोजिशन ऑफ sporadic uh, shutdowns across the country has disrupted economic activities so दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे ट्वेंटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए डेली ऑन लाइनर में मैं कुछ भी स्किप करती हूँ सो प्लीज़ ये सभी जो ऑन लाइनर है आप इनको स्प्रेड कीजिए ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप भी इसको फॉलो कीजिए आपके जी के को बहुत ही इम्प्रूव करेंगी ये वीडियोज राइट सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे प्लीज़ फॉलो माई सोशल मीडिया हैंडल्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच